हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंजलि रसोई दिल से में। आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों की फेमस आइसक्रीम। आज हम बनाएंगे ये राजभोग आइसक्रीम। ये देखिए कितने अच्छे से, कितने स्मूथ टेक्सचर की आइसक्रीम बनी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम राजभोग आइसक्रीम घर पर ईजिली बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है, उसमें मैंने आलमंड्स डाले हैं, उनको रोस्ट कर लूँगी। आलमंड पहले डाले हैं क्योंकि उसे रोस्ट होने में टाइम लगता है। फिर मैंने कैश्यूज़ डाले हैं, काजू को भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करती जा रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पिस्ता, पिस्ता को भी हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पिस्ता को रोस्ट कर लिया है और गैस की फ्लेम को आपको स्लो ही रखना है, अदरवाइज़ हाई फ्लेम में जल जाएंगे। ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे और इस तरीके से इसको हम बारीक ग्रेडर की हेल्प से या जो भी आपके पास है उससे हम थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। आप अपनी और पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, नट्स डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से एक साइड रख देंगे और आगे की प्रिपरेशन करते हैं। आगे की प्रिपरेशन के लिए हम लेंगे शुगर। यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर लिया है, आप वाइट शुगर या जैगरी पाउडर या हनी भी ले सकते हैं। उसमें मैंने डाले इलायची के कुछ दाने, इलायची के कुछ दाने का मैं इसमें केसर के कुछ धागे डालूंगी कलर्स के लिए। उसके बाद मैं इसका अच्छा फाइन पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए फाइन मिक्सचर स्टार्ट हो चुका है इसका। ये देखिए अब इसे हम एक साइड रख देंगे और हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम डालेंगे क्रीम। ये आपकी व्हिपिंग क्रीम है, आप इसको अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम को ले लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से डिप कर लेंगे उसे 5 से 7 मिनट्स के लिए। अभी मैं लो स्पीड पे उसे अच्छी तरह से डिप कर रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं मीडियम और हाई स्पीड पे उसे थिक होने तक के लिए अच्छी तरह से डिप कर लूँगी। ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो थोड़ी सी टाइट होना स्टार्ट हो गई। अब इसमें जो हमने शुगर का पाउडर बनाया था उसे डाल देंगे। उसको डालने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से व्हिप कर देंगे। आप जितना ज़्यादा व्हिप करेंगे आपकी आइसक्रीम उतनी स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर की बनेगी। दैट्स व्हाई मैंने व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है। आप फुल फैट मलाई क्रीम या दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी रबड़ी, ये घर की बनी हुई रबड़ी है जिसे मैंने ये देखी साइड में, इसको अच्छी तरह से आधे घंटे तक दूध को चलाते चलाते बनाया हुआ है। इसमें शुगर नहीं डाली हुई है मैंने। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसी मिक्सचर में। ये देखिए हम इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो मैं आधे डाल दूँगी। उसके बाद मैंने येलो फूड कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं फिर इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो स्पीड में अच्छी तरह से व्हिप करूंगी। ये देखिए हमारी जो क्रीम है वो अच्छी तरह से रबड़ी में मिल गई है। अब इसको हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें आप आइसक्रीम को जमाना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर फिर थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। ये देखिए आप इसमें राजभोज का कलर बन जाए। उसके बाद मैंने इसमें जो बचा के रखे हुए थे ड्राई फ्रूट्स उनको डाल दिया है ऊपर से अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने थोड़े से केसर के धागे भी डाल दिए, ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आप चाहते तो ऐड कर सकते। इसके बाद मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया है कम से कम 7 घंटे के लिए और ऊपर से मैंने पॉलीथीन को रैप कर दिया है। आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। इसका मैं फ्रिज को बंद कर दूंगी और अब देखिए 7 घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम को निकाला है। जैसे ही मैं उसकी पॉलीथीन को निकालूंगी, लुक एट द टेक्सचर। अब आप देखिए स्पैचुला की हेल्प से भी कितनी अच्छे से स्मूथली बाहर आ रही है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने घर में ही आइसक्रीम को बनाया है। यदि आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके आइसक्रीम बनाएंगे खाते रह जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।